फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संदली ब्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है वीडियोस रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग, फूड। कभी हम कुछ इंस्पिरेशनल लोगों से मिलते हैं और कभी हम कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है sandali.official, मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे फूड और फैशन के अपडेट्स डालती रहती हूँ। सो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स विच आई रिसेंटली यूज्ड एंड दे आर अमेजिंग, लाइक दे आर रियली अमेजिंग, मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ और उनके डिस्क्रिप्शन बताती हूँ। तो गाइज़, मेरा पहला प्रोडक्ट है ये वाओ का एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश। और ये एक तो पहले तो उसकी बॉटल इतनी क्यूट, और इसके साथ ये जो ब्रश है ये अटैच है, ये फॉर्म की तरह ये निकलता है। मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ, ये इस तरह से ये निकलता है। ये लिक्विड, वैसे तो लिक्विड है बट फॉर्म के रूप में ये बाहर निकलता है, और आप इससे मसाज कर सकते हैं अपने फेस पे। तो जब ये पहली बार मुझे ये प्रोडक्ट मिला तो मैं तो ये बॉटल देख के पहले तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे। आई वाज लाइक सच अ क्यूट 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 प्रोडक्ट, ऐसा फेस वॉश, इट्स लाइक अ यूनिक थिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको खेलते खेलते ऐसे अच्छे अच्छे से मसाज करती रहती हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे एक्चुअली ये प्रोडक्ट रिसीव कैसे हुआ। ये मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, और जब मैं इंडिया वापस आ रही थी तो मेरे को इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, बट माई सिस्टर वॉज लाइक कि यू मस्ट यूज़ दिस, एंड आई वॉज लाइक मेरे पास इतने सारे ऑलरेडी फेस वॉश है, मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड शी वॉज लाइक नहीं, ये तुमको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। और जब मैंने उसको मना किया कि नहीं अभी मेरे पास बहुत सारे फेस वॉश है, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो उसने मुझे ज़बरदस्ती ये भेज दिया कि तुम उसको यूज़ करो। बट जब मैंने एक्चुअली में इसको यूज़ किया, यार ये बहुत अमेजिंग है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, और फेस पे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। ऑल्दो मेरी स्किन ड्राई है, लेकिन ऑफकोर्स एप्पल साइडर विनेगर वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसके अलावा जो इसमें ये ब्रश अटैच है तो इसकी वजह से आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, मसाज कर सकते हो। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, और थैंक गॉड आई रिसीव्ड इट, नहीं तो मैं शायद मिस कर देती इसको यूज़ करना। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये खरीदें और डेफिनेटली ट्राई करें, और फिर देखें कि कैसा आपको लगता है ये प्रोडक्ट। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। प्राइस मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, दिस इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। एंड वाओ पे काफ़ी स्कीम्स आती रहती हैं, तो बाय टू गेट वन फ्री, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की भी स्कीम्स आती हैं, तो आपको और सस्ता भी ये पड़ सकता है। इसका इंडिविजुअल प्राइस मैं लिख रही हूँ नीचे, बट जब आप चेक करेंगे वेबसाइट्स, अगर कुछ ऑफर होगा तो आप उसमें ले सकते हैं, बट दिस इज हाईली रिकमेंड। सेकेंड प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लिंजिंग फेस मास्क। ये मैंने अब तक सिर्फ दो बार यूज़ किया है, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। दिस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, और मैं इसको दिखाती हूँ अंदर से कैसे दिखता है। चारकोल कलर में है ये, और जब आप इसको पील ऑफ करेंगे यू विल एक्चुअली सी कि आपकी सारी डेड स्किन, जितना भी टैनिंग हुई होगी ना, वो सब निकल जाएगी। तो ये मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगी, आप इसको ट्राई कीजिए, मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। सो गाइस, मेरा थर्ड प्रोडक्ट है मामा अर्थ का ये फेस वॉश, दिस इज कॉल्ड उपतन फेस वॉश। और वैसे तो ये फेस वॉश है बट मैं इसको स्क्रब की तरह यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये बहुत थिक है, बहुत दानेदार है, तो आई यूज़ दिस एज अ स्क्रबर, एंड दिस इज अमेजिंग। आप देख भी सकते हो ये आधे से ज़्यादा जो है फिनिश हो चुका है, तो आप देख सकते हो कि मैं इसको कितना रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ, और इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, अमेजिंग। आई लव दिस, दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट वन, और बहुत अफोर्डेबल है, क्वान्टिटी बहुत अच्छी है, एंड इसका अगर आप इसको यूज़ करोगे ना, तो आप इसका रिजल्ट विद इन वन वॉश देख सकते हो, क्योंकि ये स्किन को आपके एकदम इतना ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, मुझे तभी इतना ज़्यादा पसंद आया था, एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज़ अमेजिंग। तो ये प्रोडक्ट मैं ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, आप इसको स्क्रब की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको फेस वॉश की तरह यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड दिस वन इज़ फेस ऑयल, फेस सिरम, ये गुड वाइब्स का रोज हिप है, इट्स फेस सिरम, एंड दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग। ये भी मेरी आधे से ज़्यादा बॉटल जो है फिनिश हो चुकी है, तो मैं आपको वही प्रोडक्ट्स बता रही हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ ऑन डेली और रेगुलर बेसिस।
तो एज यू कैन सी दिस इज़ अमेजिंग। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, पहली चीज़। आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी फेस सीरम, इतने महंगे महंगे फेस सीरम आते हैं, वो हम जरूरी नहीं है कि सब अफोर्ड कर पाएँ। तो ये उसी कैटेगरी में है जो आप ले सकते हो, बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो, एंड ये एक चेहरे पे बहुत अच्छी शाइन देता है। तो आई रिकमेंड दिस। मैं इसको नॉर्मली फेस वॉश के बाद में इसको यूज़ करती हूँ, रेगुलरली नहीं करती हूँ, हर 2-3 दिन में, मैं 4 दिन में इसको लगा लेती हूँ। अगर कभी मैंने मेकअप अप्लाई करना है तो मैं ये ज़रूर लगा लेती हूँ। सो आई रिकमेंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स। मैंने इन सब के प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, और आप इनको ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन अनदर वीडियो।